नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज मेरे साथ यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और यहां पर मध्य प्रदेश भी मौजूद है। जी हां, और यहां की बेटियां दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली की सड़कों पर इंसाफ की मांग कर रही हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये एक महीने से दिल्ली में मौजूद है और इनकी सुरक्षा आखिर कौन देख रहा है, क्या ये खुद इतनी सक्षम है कि अपने आप को महफूज महसूस करती हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, काजल यादव। मैम देखिए, हम लगातार एक महीने से यहाँ पे, एक महीना आज कंप्लीट हो चुका है। 12 फरवरी को घर से निकले थे, आज 12 फरवरी है मैम, सॉरी 12 मार्च है। एक महीना कंप्लीट हो गया है, लेकिन रिजल्ट देखिए हमारा क्या है। लाठी चार्ज बता रही हूँ ना मैं, रिजल्ट देखिए हमारा लाठी चार्ज, धक्का मुक्की, यहाँ से सड़कों पर सोना, मैम ये चल रहा है हमारे यहाँ, मतलब दिल्ली में यही चल रहा है। सरकार कहती है कि हम सक्षम, सरकार कहती है ना आत्मनिर्भर बनो, हम आत्मनिर्भर ही बनना चाहते थे, इसीलिए हमने यहाँ तक मेहनत की। लेकिन आज जो बात हो रही है वो देश की बेटी की सुरक्षा की बात हो रही है। देखिए अभी की मैं बात करूं तो ये लगातार हम देखते हैं कि देश की बेटियों के साथ किस तरह से अत्याचार होता है, कई हम ऐसी खबरें रोजाना सामने आती है। तो आज मैं ये जानना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप अपने घरों को छोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ने इतनी दूर प्रदेश में आई हो, क्या लग रहा है आपको, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो? नहीं मैम, 1% भी सुरक्षित नहीं है हम, लेकिन कैपेबल है कि खुद की लड़ाई हम खुद कर सकते हैं। सहारा नहीं चाहिए मैम हमको, हम इतनी सक्षम अपने माँ बाप ने बनाया हमको और हम है। देखिए मैम, मैं बात करूँ थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी, हम राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन गए थे, पुलिस वाले कहते तुम 6 बजे तक यहाँ रह सकती हो। ये कहा का कानून है कि 6 बजे के बाद पुलिस ही कहती है कि जाके सड़कों पे बैठ जाओ, ये कहा का कानून है, ये कहा कि मतलब ये बताइए क्या यही है नीति, यही है कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाता कि 6 बजे तक तुम पुलिस स्टेशन में रह सकती हो 6 बजे के। हमने पूछा पुलिस से कि ठीक है सर हम 6 बजे तक रुक जाते हैं, उसके बाद हम कहा जाए, कहते हैं जहाँ पे थे, हमने बोला सर हम रोड पे थे, बोलते हैं वहाँ पे जाके सो जाओ। तो ये तरीका है दिल्ली पुलिस का देश की बेटी से बात करने का। महाराष्ट्र की आवाज़ आपने सुनी है, अब जरा यूपी की आवाज़ आपको सुना देते हैं। आप यूपी से हैं, यूपी की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि कितने मामले जो सामने आए हैं रेप के, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बलरामपुर हो, अपने आप को कितनी सुरक्षित महसूस करते हो यहाँ परिवार से दूर? बिल्कुल मैम, नहीं हम यहाँ बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। अभी कल की बात है, कल हम लोग एक रैन बसेरा में हम लोग कल रात में रुके थे, पुलिस वाले ने वहाँ से भी हमको निकलवाया, हम पार्क में बैठे वहाँ से भी निकलवाया हमको, फिर रोड पे बैठे, हमको रोड पे भी बैठने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाला कहता कोरोना है दूर दूर बैठो, जब हमको राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में ले गया तो हम एक वैन में 50-60 लड़कियों को भर के ले गया, तब नहीं बोलती है पुलिस की कोरोना है। हम कल रोड पे बैठे तो बोल रहा है दूर दूर बैठो कोरोना हो जाएगा, ऐसी यहाँ की दिल्ली सरकार की पुलिस है, हमको ऐसे कर रही है। कहते हैं लोग ना कि लड़कियाँ हर जगह सुरक्षित है, लेकिन दिल्ली में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, सरकार हमारी बातें तब भी नहीं सुन रही है। हम लोग इतना यहाँ सुबह से शाम तक भटकते हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता। हमें अभी यहाँ रहने खाने का जो भी व्यवस्था हुआ हमें NSUI वाले ने किया, जबकि दीपेंद्र हुड्डा जी ने अभी अभी थोड़े देर पहले हमसे मंच पे कहा कि हम आपकी बात सांसद में रखेंगे। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा जी ने बात कही है कि आपकी आवाज़ जो है संसद में रखी जाएगी, लेकिन क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षा की वो गारंटी ले देंगे? उन्होंने कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें संसद में तुम्हारी बात को जरूर रखेंगे और हम तुम्हारे रहने खाने का व्यवस्था सारा करेंगे। यूपी से बात की, बंगाल से भी हम बात करेंगे। बंगाल का जो विषय है वो इस समय देश की राजनीति सबसे ऊपर है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता दीदी जो लगातार ये कहती हैं कि बंगाल की बेटी जितनी सुरक्षित है, देश के किसी कोने में बेटी उतनी सुरक्षित नहीं है, क्या आप महसूस करती हैं कि बंगाल की बेटी जो वाकई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, जो अपने स्टेट में बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते तो अपने स्टेट छोड़ के इतनी दूर आके रह रही हूँ तो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करूँ? एक महीना हो गई है ऐसे रास्ते में दर दर भटक रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है आके, कोई नहीं पूछता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियाँ 1-1.5 महीने हो गई है ऐसे रोड पे भटक रही हूँ, हमारी एक ही मांग के लिए कि हम अपना हक मांगने आए, ना तो किसी से भीख मांगने आए, तो हमारी जो हक है हमें वो दीजिए। हम ज्वाइनिंग चाहते हैं कि हम जितने भी मेडिकल फीट हैं यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। अभी आप लोगों की व्यवस्था सारी करा दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सारी जगह आपके लिए सुरक्षित है? एज अ गर्ल मैं आपसे पूछूं तो, एज अ वुमेन आपसे पूछूं तो? नहीं, हम
जितने भी कोई भी बोले हमें जितने भी सुरक्षित रखने की कोशिश करेगी ना, लड़की लड़कियाँ कभी सुरक्षित महसूस कैसे करेगा, अपने घर में ही सुरक्षित नहीं रह सकती तो इतने बाहर आके कोई भी बोलेगी तो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हम तो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते यहाँ आके। मैम हमारी बस एक ही सरकार से एक ही हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हमें आल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग अगर ना दे सके तो जो बच्चे एक महीना से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमको ही ज्वाइनिंग दे दे। वैकेंसी 6000 है, अगर 6000 भरने में सरकार को देर नहीं लगेगी, अगर 250-300 बंदे यहाँ पे है, एक महीने से लगातार हमें मतलब प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो मैम 250 को तो आप ज्वाइनिंग दे ही सकते हो। मैम ये मुद्दा सरकार उठाए सांसद में कि 250 लड़के को 6000 में कन्वर्ट करके हमको ज्वाइनिंग दे। पूरा बीता एक महीना हो गया है, इस एक महीने में अगर एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछूं तो किस किस तकलीफों से आपको गुजरना पड़ा है और क्या इस एक महीने में एक भी दिन ऐसा रहा है जिस दिन अपने आप को आपने सुरक्षित महसूस किया हो? हाँ मैडम, मैंने तो परसों के दिन ही खुद को महसूस किया, जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन पुलिस वाले हमारे पीछे पीछे आए और 1-2 किलोमीटर हमारे पीछे पीछे आते रहे। मैं एक जगह बैठी तो एक पुलिस वाले ने मुझे वहाँ से उठाया और हाथ लगा के, यानी वो भी उठ बोली, वो भी कॉन्स्टेबल महिला नहीं थी, एक पुलिस ऑफिसर था। ऐसा एक पुलिस वाला ही कर सकता है तो हम अपने आप को कैसे महसूस ना करें? हम तो महसूस करने वाले मैडम, क्योंकि आप अपने राज्य में महसूस है तो ये तो दिल्ली है मैम। तो देखा आपने किस तरह से यूपी बंगाल महाराष्ट्र की बेटियां यहां पर मौजूद है, इनका सीधे तौर पर एक सबसे बड़ा आरोप जो है वो है दिल्ली पुलिस पर। जी हां, इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस जो है कभी भी इन्हें खदेड़ देती है, महिला कांस्टेबल इन्हें हाथ नहीं लगाती है, जो पुरुष कांस्टेबल है वो इन्हें हाथ लगाते हैं जो इन्हें अच्छा नहीं लगता। और एज अ वुमेन में अगर मैं बात करूँ, एज अ महिला में बात करूँ तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो लगातार बुलंद होती जा रही है। इनका कहना है कि हम देश की बेटियाँ हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम हर मुसीबत से लड़ेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए।